Myself, Mohammed Aftab Amin. I'm studying medicine at the National University of Kyrgyzstan. आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट मेडिकल रेजिडेंसी इन तुर्की, यानी इन शॉर्ट वर्ड्स आप अगर तुर्की में आप मेडिकल रेजिडेंसी हासिल करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन वहां पे करना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है। मैं आपको बताऊं कि तुर्की ने IMGs यानी इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए रास्ता बहुत आसान कर दिया कि वो तुर्की आए, अपनी डिग्री शो करवाएं, मेडिकल रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करें और वहां पे एज अ प्रैक्टिशनर डॉक्टर वर्क करें और अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। और ये बहुत आसान कर दिया तुर्की ने, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में तुर्की जाना ही अब बहुत ज्यादा आसान हो चुका है इस हवाले से डॉक्टर्स के लिए। और इनका जो टेस्ट का क्राइटेरिया बहुत ही लो है, मिनिमम नॉलेज वाला बंदा भी टेस्ट क्लियर कर सकता है, सिर्फ आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है अलग से, वो भी इसलिए कि आप लोगों के साथ गुफ्तगू कर सकें। सो वो मैं आज आपको सारा बताता हूँ। How to get PG in Turkey, how to get medical residency in Turkey. So first of all हम देखेंगे इसकी requirements, आपके पास कौन से requirements होने चाहिए जिसकी बेस पे आप उधर apply कर सकते हैं, उनका test देंगे तो आप easily उनके residency program में enter हो सकते हैं। सबसे पहले ये कि degree in Turkish, आपके पास जाहिर बात है आपकी degree होगी MD की या MBBS की। वैसे मैं बताऊं जो एमडी की डिग्री होती है वो एज अ स्पेशलिस्ट डिग्री मानी जाती है, लेकिन जो एमबीबीएस होती है वो बैचलर डिग्री मानी जाती है। तो ये डिग्री तुर्किश में, तुर्किश लैंग्वेज में ट्रांसलेट होनी चाहिए, उसके अलावा इंग्लिश में भी होनी चाहिए इसकी कॉपी, तुर्किश में भी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट, यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट जो होती है मिलती है आपको, वो होनी चाहिए आपके पास। यूनिवर्सिटी कोर्स डिस्क्रिप्शन, ये सर्टिफिकेट होता है, ये भी आपके पास होना चाहिए। हाई स्कूल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल ऑलरेडी सबको पता है इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो भी होना चाहिए। पासपोर्ट, आपके पास आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, ए प्लस कॉपी भी होनी चाहिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए। और ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स, सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स ये तुर्की लैंग्वेज में ट्रांसलेट होनी चाहिए, इंग्लिश में भी होनी चाहिए और ओरिजिनल फॉर्म भी इनकी होनी चाहिए, ये लाजमी है, सबसे ज्यादा लाजमी है ये। और ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये मैंने आपको बताए हैं, ये आप सेंड करेंगे तुर्की गवर्नमेंट को DHL के थ्रू, ये इसके थ्रू सेंड करना आसान है बजाय इसके कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें उनकी वेबसाइट पे जाके और सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड करें और वेट करें, वो क्राइटेरिया थोड़ा मुश्किल है, टफ है। DHL के थ्रू अगर तुर्किश गवर्नमेंट को भेज दें तो वो आपको स्टडी करके सारा बता देते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं वहां पे रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए। इसके लिए कम से कम जो टाइम लगता है ना वो तकरीबन मिनिमम जो टाइम है वो 4 to 5 months, 4 से 5 महीने लगते हैं कम से कम, लेकिन इससे ज्यादा ही लगता है। जारी बात है आपने DHL के थ्रू भेजना है तो जाकर फिर उन्होंने स्टडी करना है, फिर वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे मेल के थ्रू, आपको बताएंगे अपना सारा प्रोसेस। तो ये आप भेजेंगे इसका DHL के थ्रू, आपने कहाँ पे भेजना है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। उसके अलावा जितने भी लिंक्स मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे किस तरह अप्लाई करना है, आपने अगर कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है वो फर्दर जो लोगों को कुछ क्यूरीज होती है वो सब चेक करने के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो वहां पे आप स्टडी कर सकते हैं इसको। तुर्की में रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए जो 4 मेन स्टेप है ना वो मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहले लैंग्वेज, आपको इनकी लैंग्वेज पे अगर भूल है ना तो यहाँ तुर्की में जाना कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत इजी है, ना कोई ऐसी खास फीस लगती है जाने के लिए और टेस्ट भी बहुत आसान है। सबसे पहले लैंग्वेज है, उसके बाद पहले एग्जाम है STS एग्जाम, ये आप क्लियर करेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग है, 6 से 12 मंथ की ट्रेनिंग है, कितने मंथ की एग्जैक्ट है वो आपको उनकी मिनिस्ट्री बताती है। 3 से 4 हॉस्पिटल आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपने ट्रेनिंग करनी है टाइम बाय टाइम, तो वो आपके पॉइंट्स काउंट करते हैं, आपको चेक करते हैं कि आप मेडिकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपके स्किल कितने स्ट्रॉन्ग हैं। उसके बाद TUS एग्जाम है, इन दोनों एग्जाम की एब्रीवेशन मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो तुर्की लैंग्वेज में है तो आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, जिसने जाना है वो खुद उसको स्टडी कर लेगा। तो ये दो एग्जाम है ये ट्रेनिंग। अब मैं एग्जाम के बारे में आपको बताता हूँ, एग्जाम STS एग्जाम। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये साल में 2 बार होता है, अप्रैल और सितंबर में, और तुर्की का जो शहर है इनका कैपिटल है अंकारा, वहां पे एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में कंडक्ट किया जाता है ये एग्जाम। इस एग्जाम के अंदर 120 MCQ होते हैं और आपके पास ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे होते हैं इसको करने के लिए, और इसका जो पासिंग रेट 35% प्लस चाहिए आपको बस, हालांकि पूरी दुनिया में कम से कम 70% है लेकिन आपको 35% प्लस चाहिए इस एग्जाम में। उसके बाद तुर्किश लैंग्वेज, ये है कि ये एग्जाम होता है तुर्किश लैंग्वेज में, इसका मतलब है कि आपको तुर्किश लैंग्वेज बोलने भी आनी चाहिए, लिखने भी आनी चाहिए और रीड भी करनी आनी चाहिए, सिर्फ यही है तुर्किश लैंग्वेज का आपको फायदा, बाकी इसका तुर्किश लैंग्वेज का कोई अलग से एग्जाम नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ट्रेनिंग।
ट्रेनिंग में ये है, आप एग्जाम पास कर लेते हैं, उनकी मिनिस्ट्री आपको हॉस्पिटल बताती है कि यहाँ पे आप ट्रेनिंग करेंगे, 6 मंथ की होगी, 8 मंथ की होगी या 12 मंथ की होगी, वो आपका एग्जाम का रिजल्ट या उनकी मिनिस्ट्री की जितनी रिक्वायरमेंट होगी ऑफिसर्स की, उस हिसाब से वो आपको बताएंगे ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग में वो आपको चेक करेंगे कि आपके स्किल्स किस तरह के हैं, तो उस हिसाब से फिर आगे वो आपको हेल्प करते हैं। जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं फिर इसके बाद भी आप एज अ नॉर्मल डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर तुर्की में वर्क कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी और हॉस्पिटल्स के अंडर भी। इंडिपेंडेंट आप कर सकते हैं, 2 साल आप हॉस्पिटल के अंडर वर्क करेंगे, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट आप वर्क कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ ट्रेनिंग के बाद नेक्स्ट एग्जाम ना देना चाहें। ये एग्जाम है ऐसा स्पेशलाइजेशन के लिए, ये एग्जाम था उनकी जो है ना मेडिकल, उनका जो रेजिडेंसी उसमें एंटर होने के लिए। अगर आप सिर्फ यहाँ तक लिखना चाहते हैं तो इसके बाद आप खुद वहां पे एज अ मेडिकल डॉक्टर वर्क कर सकते हैं, लेकिन एज अ प्रैक्टिशनर और स्पेशलिस्ट अगर वर्क करना चाहें तो फिर आपने ये एग्जाम देना है, उनका जो है स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम उसमें एंटर होना है, फिर आपने स्टडी करना है और साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, तो ज्यादा प्रैक्टिस ही होती है, तो फिर आप एज अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर के रह जाएंगे प्रैक्टिशनर। तो उसका ये है कि उसके बाद आप ये इस एग्जाम के लिए अप्लाई करें। इस एग्जाम में 2 सेशन होते हैं, 150 मिनट्स ई सेशन के होते हैं, इसमें भी एमसीक्यू आते हैं, बेसिक भी और क्लिनिकल भी। वो मैं आपको सारा क्राइटेरिया स्क्रीन पे शो करवा दूंगा कि किस तरह उन्होंने किस बुक से कितने सब्जेक्ट से कितने एमसीक्यू उठाए होते हैं, क्लिनिकल से या इंटरनल मेडिसिन, ज्यादा इंटरनल मेडिसिन के ज्यादा एमसीक्यू आते हैं, तो वो मैं आपको शो करवा दूंगा। इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 45% है, इससे प्लस लेना है, 45% प्लस से आप आएंगे तो आप एज स्पेशलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जितने ज्यादा आपके अच्छे मार्क्स होंगे उतनी अच्छी स्पेशलिटी आप चूज कर सकते हैं, आपकी मार्क्स की बेस पे आपको स्पेशलिटी चूज करेंगे, फिर आप उसमें आगे एज अ प्रैक्टिशनर वर्क करेंगे। तो ये इसका है मेन क्राइटेरिया। उसके बाद सैलरी की बात कर लेते हैं। राउंड अराउंड जो एज अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने से पहले आपकी जो ट्रेनिंग तक जो सैलरी होती है आपकी, वो होती है $700 से $1,000। तो जब आप स्पेशलिस्ट एज अ स्टार्ट करते हैं अपनी स्पेशलिटी, तो फिर आपकी होती है $8,000 से $11,000। ये मिनिमम से स्टार्ट होकर मैक्सिमम आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि हर साल फिर उनका सैलरी बढ़ने का रेट भी होता है कि इतने परसेंट सैलरी बढ़ेगी भी। तो ये मिनिमम जो सैलरी होती है वो बताई होती है इंटरनेशनल करेंसी में, डॉलर में। तो ये है मेन क्राइटेरिया तुर्की में पीजी स्टार्ट करने के लिए। ये बहुत आसान है। और मैं बताऊँ, जो मुस्लिम पासपोर्ट्स हैं, यानी कि स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया के जो मुसलमान हैं और उसके अलावा पूरी दुनिया में जो मुस्लिम पासपोर्ट्स वाली कंट्री है ना, वो उनके लिए तुर्की जाना बहुत आसान है। तुर्की ने इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए रास्ते बहुत आसान कर दिए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो वापस पाकिस्तान या इंडिया नहीं जाना चाहते, कहीं से भी वो अगर करें इंटरनेशनली MBBS, तो उनके लिए बहुत अच्छा रास्ता है कि तुर्की जाए। तो टेस्ट का पासिंग क्राइटेरिया भी बहुत लो है, तो कोई इतनी खास फीस भी नहीं है। आपको सारा जो डिटेल में है मैंने बता दिया है। इसके अलावा कुछ क्यूरीज हो सकती हैं वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में या व्हाट्सएप पे। थैंक यू।